तो चलो अब देखते हैं कि कैसे हम किन्हीं दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। दो मेथड्स हैं, उन पे चलेंगे हम। तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर लाइन है, आप सभी लोग नंबर लाइन को जानते हो, नंबर लाइन पढ़ चुके हो, नंबर लाइन सभी लोग जान रहे हो। अब हमें किन्हीं नंबर्स के बीच, कोई से भी दो नंबर्स हैं, उसके यहां बीच में कितने नंबर्स होंगे, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, तो कोई भी दो नंबर यहां पर ले लो, उनके बीच में कितने नंबर्स होंगे, तो आप क्या कहोगे? सर, इनके बीच में तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, इनफैक्ट इनफाइनाइट नंबर्स आर देयर, इनफाइनाइट नंबर्स आर देयर। तो मैं कहूंगा कि भाई अगर नंबर इनफाइनाइट्स हैं तो मुझे कुछ तीन रेशनल नंबर, पांच रेशनल नंबर्स इनके बीच के बता दो। मे बी यू कैन से वन और टू के बीच के कोई पांच रेशनल नंबर्स बता दीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन हमें मिलेगा एग्जाम्स में, और यहां अभी हम सीखेंगे कि कैसे हम किन्हीं दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स को बता सकते हैं। चलो देखो, यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें पूछा गया है कि वन और टू के बीच में कोई पांच रेशनल नंबर्स बताओ। क्वेश्चन से पूछा गया है फाइंड फाइव रेशनल नंबर बिटवीन वन एंड टू। तो इसको करने के दो तरीके हैं। नाउ सी, इसको जूम करके देखो, अगर हम यहां पर इसको जूम कर दें तो दो नंबर्स हैं यहां पर, वन और टू, वन और टू को हमने जूम किया है। मेथड ये है कि फाइंड दी एवरेज ऑफ टू नंबर्स, जो भी नंबर्स हमें गिवन हैं, जो भी नंबर्स हमें दिए हुए हैं, आप उसका एवरेज, उसका मीन बता दो। एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? दिस प्लस दिस डिवाइड बाय टू। कैसे फाइंड करते हैं? वन प्लस टू, जो भी दो नंबर्स दिए हुए हैं उनका एवरेज फाइंड कर दो। इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा? दैट इज थ्री बाय टू। तो इन दोनों नंबर्स का जो मिड नंबर होगा दैट विल बी थ्री बाय टू। एक रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में हमें मिल गया, ठीक है। अब देखो, यहां पर ये वन है, यहां पर ये थ्री बाय टू है, इन दोनों के बीच में भी कोई एक नंबर होगा, तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का एवरेज बता देंगे। तो क्या बन जाएगा? वन प्लस थ्री बाय टू बाय टू। इन दोनों का हमने एवरेज फाइंड कर दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा क्या बन जाएगा? दैट इज फाइव बाय फोर। तो ये आ गया इन दोनों का मिड नंबर, दैट इज फाइव बाय फोर, है ना। इसी तरह से यहां पर भी दो नंबर हैं, इन दोनों का भी आप एवरेज बता दो। आप बता सकते हो किन्हीं भी नंबर्स के एवरेज बता सकते हो। एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर डिवाइड बाय टू। इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा सेवन बाय फोर, ठीक है। ये नंबर यहां पर आ गया सेवन बाय फोर, ठीक है। ऐसे देखो वन और टू के बीच में अभी तीन नंबर्स हमारे पास आ गए हैं, ठीक। और नंबर्स फाइंड करने हैं, फाइव नंबर्स फाइंड करने हैं अगर आपको, तो ए दोनों वन और फाइव बाई फोर के बीच में भी नंबर होगा कोई। वन और जूम करना चाहो तो और जूम कर लो इसको, दैट इज वन, फाइव बाई फोर, दैट इज थ्री बाय टू, दैट इज सेवन बाय फोर, एंड दैट इज टू। देखो और जूम कर लिया हमने, इनके बीच में भी कुछ नंबर आएंगे। तो देखो वन प्लस फाइव बाई फोर, इसका एवरेज कर लो, वन प्लस फाइव बाई फोर बाय टू। अगेन वही टेक्निक है, क्या आंसर आएगा? दैट इज नाइन बाय एट। तो ये नंबर यहां पर आ गया नाइन बाय एट, ठीक है। ऐसे ही आप कितने भी नंबर यहां पर फाइंड कर सकते हो। अगर आपको और एक नंबर चाहिए तो यहां से आप देख लो, एवरेज ऑफ सेवन बाय फोर प्लस टू, इन दोनों का एवरेज कर लो। यहां पर देखो सेवन बाय फोर है और ये टू है, इन दोनों का एवरेज करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? फिफ्टीन बाय एट, फिफ्टीन बाय एट। तो ये नंबर बन गया हमारा फिफ्टीन बाय एट। तो ऐसे ही आप एवरेज फाइंड करते करते जितने भी नंबर आपसे पूछे गए हैं सारे नंबर्स को सॉल्व कर सकते हो। कितने भी नंबर्स, यहां इनफैक्ट इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इनफाइनाइट मैनी नंबर्स हैं। आप किसी भी नंबर्स, किन्हीं दो नंबर्स का एवरेज लेते जाइए और आपके पास आंसर्स आते चले जाएंगे। अभी देखते हैं इसका दूसरा मेथड क्या है। तो दूसरे मेथड में हमें देखना है वन और टू के बीच में कोई फाइव रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। एनी फाइव रेशनल नंबर्स
बिटवीन। तो यहां पर देखो वन और टू है, लिखो वन और टू। तो हमें क्या किया, फाइव नंबर्स हमें फाइंड करने हैं यहां इस क्वेश्चन में, हमें फाइव करने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां कर देंगे फाइव प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स। फाइव प्लस वन कर दिया हमने, एक नंबर ऐड कर दिया, जितने भी फाइंड करने हैं। यहां अगर फाइव करने हैं तो फाइव प्लस वन कर देंगे, यहां अगर सेवन पूछेगा तो सेवन प्लस वन एट ले लेंगे। तो जितने भी नंबर्स हमें फाइंड करने हैं उसमें हमने वन को ऐड कर दिया और यहां पे आ गया ये सिक्स। अब क्या करना है, वन और टू के बीच में चाहिए, वन और टू के बीच में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इंटू सिक्स बाय सिक्स कर दिया है और इसमें भी हमने 6 बाय 6 लिख दिया है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं किसी भी नंबर में। हमने मल्टीप्लाई 6 से कर दिया और डिवाइड भी 6 से कर दिया, नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह से सेकंड नंबर 2 था, यहां पे हमने मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया, डिवाइड बाय 6 कर दिया, कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन हमारे लिए इससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो देखो 1 * 6 ये बन गया 6 अपॉन 6 और ये बन गया 12 अपॉन 6, है ना, 6 इंटू टू 12 और डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया 6। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, इसको अच्छे से देख लेंगे, नहीं समझ में आता तो वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो। तो दैट इज 6 अपॉन 6 एंड 12 अपॉन 6। अब इनके बीच के हमको पांच नंबर्स बताने हैं, पांच नंबर्स बताने हैं। तो ये कैसे बताएंगे, यहां पर एक एक नंबर को न्यूमरेटर में इंक्रीज करते जाते हैं। जैसे देखो 7 अपॉन 6, 8 अपॉन 6, 9 अपॉन 6, 10 अपॉन 6 एंड 11 अपॉन 6। ये पांच नंबर इसमें बीच में हमने बता दिए हैं, पांच नंबर 7 अपॉन 6, 8 अपॉन 6, 9 अपॉन 6, 10 अपॉन 6 एंड 11 अपॉन 6। ये पांच नंबर 1 और 2 के बीच में पांच नंबर आ गए हैं। ये इस तरह से एक मेथड, दूसरा मेथड है जिससे हम किसी भी नंबर, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच के कितने भी नंबर्स बता सकते हैं। तो चलो ये जो हमने समझा है उसे और पक्का करते हैं और एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सो दैट ये कॉन्सेप्ट हो जाए हमको 100% क्लियर। तो देखो फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो 6 हमें बताने हैं तो हम क्या करेंगे, 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। ये 7 हमारे पास आ गया, किस किस के बीच में बताने हैं, 3 एंड 4 के। तो देखो 3 और यहां लिख दिया और 4 यहां लिख दिया, 7 यहां आया था, 7 यहां आया था, तो हमने 7 बाय 7 कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस नंबर में हम 7 से मल्टीप्लाई करें और 7 से डिवाइड कर दें, कोई नंबर में चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली यहां भी हमने 7 बाय 7 कर लिया, कोई चेंज नहीं आएगा। किसी नंबर को 7 से मल्टीप्लाई किया और उसको 7 से डिवाइड कर दिया, कोई चेंज नहीं आया, बट हमारे लिए ये बेनिफिशियल हो गया। इट विल बी 21 अपॉन 7, 3 7 जा 21 एंड 4 7 जा 28, दैट इज 28 अपॉन 7। ठीक है, 21 अपॉन 7, 28 अपॉन 7, 3 ऐसे बन गया, 4 ऐसे बन गया। अब इसके बीच के नंबर बताने हैं हमको, 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। सो देखो 21 है, इसके बाद चलते जाओ एक एक नंबर आगे, एक नंबर आगे न्यूमरेटर में, दैट विल बी 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7 एंड 27 अपॉन 7। तो ये हो गए 6 नंबर्स इन दो 3 और 4 के बीच में आने वाले 6 नंबर्स, 6 रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो अभी तो ये पक्का हो गया कॉन्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और इस कॉन्सेप्ट को पक्का कर लीजिए। तो चलो अब पढ़ते हैं इरेशनल नंबर्स को। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p by q, p by फॉर्म q की फॉर्म में नहीं आ सकते। अरे ऐसे भी कुछ नंबर्स होते हैं क्या जो p by q की फॉर्म में नहीं आए, बिल्कुल होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नाउ यू सी दिस रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव,
रूट सेवन, ये सारे नंबर रूट सिक्स रूट सेवन आप देखोगे ये सारे नंबर्स जो है पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं आते। ऐसे नंबर्स देखो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट के अंदर नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो सारे नंबर्स आते हैं इरेशनल नंबर, इनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसके अलावा जो नंबर एक और नंबर जो आप बहुत फैमिलियर हो दैट इज पाई, पाई भी एक ऐसा नंबर है जिनको आप स्क्वायर जिसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। इसके अलावा ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, उनके अंदर कोई पैटर्न नहीं दिख रहा रिकर होने का, तो इसको भी कहते वो सारे नंबर्स आते हैं इरेशनल नंबर की कैटेगरी में। फॉर एग्जांपल देखो 0.10100, यहां पर हमें कोई ऐसा पैटर्न नहीं दिख रहा है, कोई भी नंबर रीअकर नहीं हो रहा है, कोई भी नंबर रीअकर नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जितने भी नंबर्स हैं ये सारे नंबर होते हैं इरेशनल नंबर। पर आप सवाल पूछोगे कि सर पाई को क्यों लिया है इरेशनल नंबर, क्योंकि पाई तो होता है 22/7, पाई की वैल्यू हम लेते हैं 22/7, तो ये तो पी और बाई क्यू की फॉर्म में आ गया है पी बाई क्यू। तो बेटा ये जो हम वैल्यू लेते हैं 22/7 ये होती है एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अगर पाई की हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालने जाएंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में आएगी। इसी तरह की कोई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वैल्यू होगी और वो इसीलिए पाई को हम कंसिडर करते हैं इरेशनल नंबर, पाई एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो इरेशनल नंबर हैं। चलो अब देखते हैं हम कि कैसे हम इन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रूट टू से। रूट टू एक इरेशनल नंबर है, रूट टू इसको हमें नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करना है। तो कैसे करेंगे, नाउ सी रूट टू इज 1+1 रूट टू को, इस टू को हम लिख सकते हैं 1+1। और देखो पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम यूज करेंगे तो इट विल बी 1² + 1² तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी एक साइड 1 हो दूसरी साइड भी 1 हो और जो उसका हाइपोटन्यूज है वो हो जाता है रूट टू। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा हुआ है। एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी एक साइड 1 यूनिट हो और दूसरी साइड भी 1 यूनिट हो और उसका हाइपोटन्यूज अगर हम फाइंड करेंगे दैट इज 1² + 1² साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर, और उसको सॉल्व करके आ रहा है रूट टू। तो बस इसी चीज को हम नंबर लाइन के ऊपर लोकेट कर देते हैं। नाउ नंबर लाइन हम सभी जानते हैं, नंबर लाइन यहां पर देखो 0, 1, 2, 3, 4 ये ऐसे आगे नंबर लाइन चलता रहेगा, इस तरफ -1, -2 एंड सो ऑन। ठीक है, हमें बनाना है रूट टू। तो रूट टू क्या करेंगे, 1² + 1² तो एक यूनिट लेंथ लेंगे। यहां से देखो एक यूनिट लेंथ इतनी है, एक यूनिट लेंथ 0 to 1, 0 से हम 1 की ओर आ गए, सो दैट इज 1 लेंथ। और इसी लेंथ पे हम यहां से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कितने यूनिट का, जितना ये लेंथ है उतना सेम लेंथ का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, एक यूनिट हमने ये साइड ली है, ये देखो इसको O ले लो, इसको A ले लो, इसको यहां B ले लो, तो एक यूनिट हमने जो लेंथ ली है उसी सेम यूनिट को हमने ड्रॉ कर दिया है, उसी सेम लेंथ को ड्रॉ कर दिया है हमने परपेंडिकुलर। ठीक है, ये पॉइंट A हो गया हमारा और अब B पॉइंट, ये पॉइंट B हो गया, इसको हम ज्वाइन करेंगे O टू B, तो O ये जो पॉइंट O है O टू B बन जाएगा डिस्टेंस रूट टू। और हमें इसे करना है लोकेट नंबर लाइन के ऊपर। तो क्या करेंगे, हम यहां पे हम अपने कॉम्पास का पॉइंट रखेंगे और यहां पर पेंसिल, इससे ऐसे ड्रॉ करेंगे
ड्रॉ करने के बाद ये जहां पर आएगा ए डैश, वो डिस्टेंस होगा ओ से लेकर के ए डैश, ओ टू ए डैश इज इक्वल टू रूट टू। ओ से ए डैश तक का डिस्टेंस बन जाएगा रूट टू और इस तरह से नंबर लाइन के ऊपर लोकेट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें रूट थ्री को लोकेट करना है, देखो रूट थ्री, रूट थ्री कैसे बनेगा, टू प्लस वन। देखो थ्री को हम लिख सकते हैं टू प्लस वन, टू प्लस वन। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम में ये कैसे आएगा, हम कह सकते हैं रूट रूट टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। ठीक है, रूट टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। अब देखो ये क्या बनाना है, रूट टू जहां लोकेट हुआ है रूट टू, वहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फॉर यूनिट लेंथ, वन लेंथ का, यूनिट लेंथ का यानी इतनी लेंथ का एक परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है। तो दो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, और एक ऑप्शन है कि देखो ये रूट टू लेंथ है, ये लेंथ रूट टू है, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें 90 डिग्री। कितने डिस्टेंस, कितनी लेंथ का लेना है, यूनिट लेंथ का, वन लेंथ का। ठीक है, वन जो यूनिट लेंथ है उतना परपेंडिकुलर हमने, उतनी लेंथ का परपेंडिकुलर हमने यहां ड्रॉ कर लिया है। नाउ ज्वाइन दिस, ये बन गया हमारे पास बी डैश। नाउ ज्वाइन दिस, ये ज्वाइन होने के बाद जो लेंथ आएगी, ये जो ज्वाइन होने के बाद लेंथ आई है, ये लेंथ बन जाएगी रूट थ्री, ये लेंथ बन जाएगी रूट थ्री। देखो रूट टू है और ये वन है, तो रूट टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इज इक्वल टू रूट थ्री। ठीक है, और यहां से अगर हम इसे नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे, तो यहां से आप, यहां से आप एक आर्क ड्रॉ करो, यहां से आप एक आर्क ड्रॉ करो ओ टू बी डैश, ओ टू बी डैश, ये जो है बी डैश, ये है रूट थ्री और ए डबल डैश जो बना है ओ से इज इक्वल टू ओ ए डबल डैश। देखो यहां पर लोकेट होके आ गया है ए डबल डैश, तो ये जो पूरा लेंथ है ये यहां पर ट्रांसफर हो गई है ऑन नंबर लाइन, तो ओ ए डबल डैश इज इक्वल टू रूट थ्री। ऐसे आप किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर को इसी फॉर्म में चेंज करोगे, एक यूनिट वन रहेगा और एक रहेगा इससे पहले वाला नंबर। नाउ जो भी नंबर है, फाइव अगर ले रहे हो आप, फाइव अगर रूट फाइव को फाइंड करना है तो क्या करोगे, रूट फोर प्लस वन, फोर प्लस वन। ठीक है, बट फोर इज इक्वल टू टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे टू स्क्वायर, ये हमेशा वन ही रहेगा, यहां पर हमेशा वन लाना है और उससे एक थ्री है तो टू, फाइव है तो फोर, इस तरह से हमें नंबर्स लाना है, एक कम नंबर लाना है। ठीक है, यहां तक हमने सीखा है ना, और ए फिर उसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर देना। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हमें किसी नंबर को ऐसे ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे, तो उससे एक पहले वाला नंबर ऑलरेडी ड्रॉ करना पड़ेगा, ऑलरेडी ड्रॉ होना चाहिए, तभी ये बनेगा, तभी ये बन पाएगा। ठीक है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जिस भी नंबर को हमें लेना है उससे एक कम प्लस वन करना है, तो एक कम वाला पहले से ड्रॉ करना पड़ेगा। जब भी आपको रूट थ्री ड्रॉ करने को आएगा तो पहले आपको रूट टू बनाना पड़ेगा, तब रूट थ्री वहां पर बन पाएगा। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमको क्लियर होगा। नाउ लेट अस सी कि किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर को रूट एक्स, कोई भी नंबर एक्स है पॉजिटिव नंबर, उसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ज्योमेट्रिकली कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक नंबर एग्जांपल लेके चलेंगे ताकि ये चीज हमें हो जाए एकदम क्लियर। तो देखो फॉर एग्जांपल इट इज रूट 9.3, अगर ये 9.3 कोई नंबर है और हमें उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है नंबर, उसको आप एक ड्रॉ कर लीजिए, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए ऑफ लेंथ दिस, जो भी यहां पर दी हुई है, यहां हमारे केस में दी हुई है 9.3।
ठीक है, उसको हमने ड्रॉ कर लेंगे, ए बी पॉइंट है और इस लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे, इस लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे बाय वन यूनिट। कोई भी नंबर आपके पास यहां होगा उतना ड्रॉ करेंगे और उसको एक्सटेंड करेंगे बाय वन यूनिट। ठीक है, अब ये लाइन बन गई ए सी जिसकी लेंथ है 10.3, ए टू सी 10.3, 9.3 हमने पहले बनाया था जो ये नंबर है, प्लस वन यूनिट, एक यूनिट और एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें करना है AC का मिड पॉइंट फाइंड करना है, AC का इस A टू C इस पूरे का एक मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, आप स्केल से अच्छे से उसका मिड पॉइंट फाइंड करोगे। ठीक, नाउ अब इस सेंटर से इसको ले लो, आप O सेंटर ले लो, इस सेंटर O से और A तक के रेडियस पर ड्रॉ करेंगे एक सेमी सर्कल। नाउ AC जो है उसका वो डायमीटर बन जाएगा, इस पॉइंट O से इस पॉइंट O से आपने ड्रॉ किया है एक सेमी सर्कल। ठीक है, इस पॉइंट O से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। ओके, और यहां से एक परपेंडिकुलर जो पॉइंट B था जो इनिशियली हमने लिया था एट डिस्टेंस ऑफ 9.3, A से 9.3 डिस्टेंस पे जो पॉइंट लिया था, इस पॉइंट से हम ड्रॉ करने वाले हैं एक परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर कट कर रहा है इसको पॉइंट D पे, इस सेमी सर्कल को पॉइंट D पे कट करेगा ये परपेंडिकुलर। ठीक है, ए बी के ऊपर, लाइन ए बी के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है जो इस सेमी सर्कल को पॉइंट डी पर कट करता है और ये जो डिस्टेंस बी डी है ये हो जाता है वही डिस्टेंस जो हमें इनिशियली चाहिए था, दैट बी टू डी इज इक्वल टू रूट 9.3। ठीक है, स्टेप्स को एक बार समझते हैं। सबसे पहले हमने एक लाइन ए बी ड्रॉ की है, कितने लेंथ की, जितनी लेंथ हमें यहां पर पूछी गई है, हमारे केस में 9.3 पूछी गई है। ठीक है, उस लाइन को हमने एक्सटेंड किया बाय वन यूनिट, बाय वन यूनिट 9.3 लिया है, अगर आप 9.3 सेंटीमीटर ले रहे हो तो एक सेंटीमीटर और एड कर लेना है यहां पर। ठीक, और AC का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, ओ AC का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे इस A टू C जो 9.3 प्लस 1 10.3 यूनिट है, उसका मिड पॉइंट फाइंड किया हमने O, और उस O से A रेडियस लेकर के एक सेमी सर्किल बनाया है। अब इस सेमी सर्किल के ऊपर पॉइंट बी AB के परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है जहां तक ये सेमी सर्किल को कट करता है, पॉइंट डी आया है सेमी सर्किल को कट कर रहा है, तो जो डिस्टेंस बी डी है वो डिस्टेंस होगा हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। तो इन्हीं स्टेप्स के साथ हम किसी भी नंबर को यहां पर, पॉजिटिव नंबर को यहां पर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली, और अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन के ऊपर तब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट बी है इट शुड बी एट जीरो ऑफ दैट नंबर लाइन, ये जो पॉइंट बी हमने लिया है ये नंबर लाइन के जीरो पोजिशन पे आना चाहिए, ओ पोजिशन पे आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, बी पॉइंट को जीरो में रखेंगे और ड्रॉ करेंगे ए एट डिस्टेंस ऑफ 9.3, इस केस में इसको जीरो में लेंगे, नंबर लाइन का जो जीरो है उसको यहां पर हम बी पॉइंट ले रहे हैं और 9.3 इस साइड ड्रॉ कर रहे हैं नेगेटिव साइड में, और ये बन गया हमारा ए बी, और सारे स्टेप्स आगे वैसे ही फॉलो होंगे। दिस पॉइंट शुड कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ नंबर लाइन, एंड फिर यहां बी से रखेंगे हम अपना कॉम्पास का पॉइंटर और पेंसिल को ड्रॉ करेंगे यहां पर हम बी डी को यहां पर नंबर लाइन के ऊपर ले आएंगे। ठीक है, डी डैश
तो बी डी डैश बन जाएगा हमारा रूट 9.3 अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अगर खाली लेंथ ड्रॉ करना है तो ये बी डी लेंथ हमारे पास आ गई है रूट 9.3 की, उसको नंबर लाइन पर ट्रांसफर कर सकते हैं।